सभी दर्शकों का एस्ट्रो एमएस पांडे की तरफ से हार्दिक अभिनंदन नमस्कार। राशिफल की श्रृंखला में आज मैं मासिक राशिफल की श्रृंखला में 7 नंबर की राशि लिब्रा तुला का राशिफल लेकर के आया हूँ। जिन जातकों का चंद्रमा 7 नंबर की राशि तुला राशि में है तो जून महीने का राशिफल विशेष कर यह उन लोगों के लिए। यह राशिफल चंद्र आधारित राशिफल है। इस प्रकार से कई दर्शकों की ये कंप्लेन रहती है कि यह राशि हमारे पर लागू नहीं होती है या इसके फल सामान्यतया नहीं परिलक्षित होते, तो मैं उन्हें एक चीज़ बता दूं कि ज्योतिष एक प्रकार का मैथमेटिक्स है और यह जो है इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। हर लोगों का चंद्रमा जो है भले तुला राशि में है लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो सकते हैं, उसके हिसाब से कुंडली में नवमांसा में चंद्र की पोजिशन अलग हो सकती है और राशि फल पे या कुंडली के फलादेश पे जो है कि लग्न कहाँ पे है, चंद्र किस नक्षत्र में है, कौन सी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, अगर गोचर को दशा अंतरदशा से लिंक कर दिया जाए तब जाकर एक कुरेशी आती है। तो इस प्रकार से किसी को विस्तृत कुंडली की विवेचना करानी है या विस्तृत जानकारी करनी अपने बारे में तो अपनी कुंडली की विवेचना कराएं, तब जाकर उन्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। तो सर्वप्रथम मैं शुरुआत करता हूँ 7वें नंबर की राशि जो तुला राशि होती है, लिब्रा जिसे कहते हैं, जिन जातकों का चंद्रमा तुला राशि में है। तुला राशि का स्वामी शुक्र जो है इस समय 4 ग्रहों के साथ फर्स्ट जून से ही वह आपके राशि से अष्टम में ट्रांजिट कर रहा है, तो लग्नेश का अष्टम भाव में जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं है। शुरुआती 15 दिन और बाद के 15 दिन, ये 2 फोल्ड में आपके राशि फल की मैं विवेचना करूंगा। पहला हाउस जो होता है फर्स्ट हाउस, चंद्र जिस राशि में बैठा है उसका इफेक्ट आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। फर्स्ट हाउस लग्न होती है जो आपके पर्सनालिटी पे प्रभाव डालती है। आपके चंद्रमा मन का कारक है, आपके मन की स्थिति कैसी होगी, आपकी सोच कैसी होगी, रिस्क लेने की क्षमता आपकी कितनी होगी, किस कदर आप रिस्क ले पाएंगे, वह ग्रहों की स्थिति से मैं विवेचना करूंगा। तो इस महीने के शुरू से ही जो है शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। लग्न का मालिक शुक्र जो है अष्टम भाव में होने के कारण जो है मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, बट पिछले महीने से जो परेशानी ज़्यादा चली आ रही थी वह इस महीने में कम होगी, क्योंकि इस महीने में ग्रहों की कुछ फेवरेबल पोजीशन आपके पक्ष में जाती हुई दिख रही है। क्योंकि शुक्रदेव जो है वह लग्जरी के कारक हैं, वह आपके लक्ष्मी के कारक हैं, धन धान्य दौलत सब चीज़ के मालिक शुक्र हैं जो आपके लग्न के स्वामी हैं। और एक चीज़ वैदिक ज्योतिष में है कि शुक्र को अष्टम का दोष नहीं लगता है, तो अष्टमेश भी शुक्र है तुला राशि में। इस प्रकार से अष्टम भाव में होने के कारण चूंकि वह लग्नेश है इसलिए बहुत ज़्यादा अशुभ फल नहीं प्राप्त होंगे आपको जो है। तो प्रथम भाव की स्थिति जो है शुक्र बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग लेकिन अष्टम भाव में विराजमान है, सूर्य बुध मिलकर बुध आदित्य योग भी अष्टम भाव में लग रहा है आपके, और गुरु भी आपके देवगुरु बृहस्पति जो है जो आपके पराक्रम भाव और साथ साथ जो है छठे भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में विराजमान है। तो जो सूर्य का गोचर है 13 जून तक सूर्य जो है वृषभ राशि में रहेगा, 14 जून से 30 जून तक चले जाएंगे भाग्य भाव मिथुन राशि में सूर्य चले जाएंगे, तब स्थिति आपकी थोड़ी सी सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और जो सूर्य का नक्षत्र है इस समय सूर्य रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वो 7 जून तक है। 8 जून से लेकर 21 जून तक सूर्य मृगशिरा नक्षत्र मंगल की नक्षत्र में गोचर करेंगे, मित्र की नक्षत्र है। और साथ साथ जो 22 से लेकर के 30 जून तक सूर्य आर्द्रा नक्षत्र राहु की नक्षत्र में गोचर करेंगे, उस समय महीने के 7-8 दिन जो है शुरुआत के 13-14-12-13 दिन और लास्ट के 6-7 दिन थोड़े से ऊपर नीचे या सूर्य के फलों में कमी रहेगी। तो सूर्य आपके फिर जो है 13 जून के बाद आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे और बुध देव जो है 13 जून के बाद बुध भी आपके मिथुन राशि में चले जाएंगे जो आपके भाग्य में नवम भाव में चल रही है, और साथ साथ शुक्र जो 11 जून के बाद शुक्र भी आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। अभी शुक्र आपके लग्नेश अष्टम भाव में है, अष्टम भाव से निकल करके 11 जून के बाद शुक्र वहाँ चले जाएंगे। दो स्थिति में आपका बुध देव की जो स्थिति है वह जो है
बुध की भी स्थिति अच्छी है, 13 जून तक बुध जो है वृषभ राशि में, वो भी आपके अष्टम में पड़ रही है, और 13 जून के बाद 28 जून तक बुध जो है आपके मिथुन राशि में चले जाएंगे, 14 से 28 तक, 29-30 को दशम भाव में बुध जाएंगे, तो बुध की स्थिति भी 13 तारीख के बाद सुधर जाएगी। बस एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि धन लक्ष्मी, पैसा, रुपया और व्यापार के कारक दो प्रमुख ग्रह जो है शुक्र और बुध जो है, वह बुध जो है 3 जून से 23 जून तक 22 दिन के लिए अस्त रहेंगे और शुक्र जो है 1 जून से 29 जून तक अस्त रहेंगे, तो उस पीरियड में थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसीजन या कोई शुभ काम, नया काम करने से बचे जो है। बाकी स्थिति जो है आपकी 13 तारीख के बाद सुधर जाएगी। खुद की सोच है जो आपकी, वह जो है थोड़ा सा प्रेम प्रसंग, रोमांस, शुरू में मन चंचल रहेगा, उस स्थिति से आप बचे, अपने काम धाम पे फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे, जहाँ तक आपके खुद की सोच, खुद की पर्सनालिटी का प्रश्न है। और जब सूर्य देव आपके भाग्य में चले जाएंगे बुध के साथ, तो लक्ष्मी नारायण योग वहाँ बन जाएगा भाग्य स्थान पे, तो भाग्य में जो रुकावट महसूस हो रही है 15 तक, वह चल पड़ेगी और उसमें रफ्तार भी पकड़ लेगी। तो सूर्य बुध शुक्र 9th हाउस में आपके चले जाएंगे, तो 15 जून के बाद उधर स्थिति अच्छी हो जाएगी। सिर्फ महीने का लास्ट वीक में सूर्य राहु के नक्षत्र में होने के कारण, राहु 6th भाव में बैठा हुआ है, एक अज्ञात भय मन में रहेगा, लेकिन फिर भी उसके प्रभाव में बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत न्यूनता आ सकती है। तो सूर्य बुध शुक्र की युति जो है बहुत सुंदर युति आपके भाग्य भाव में बनेगी, भाग्य आपका जो रुकावट है वो चल पड़ेगी, इससे आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आएगा, जो काफ़ी दिनों से आप परेशान चल रहे थे कई चीज़ों को लेकर के, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और साथ साथ राहु जो है इस समय 6th भाव में गोचर कर रहे हैं, 6th भाव जो है कानूनी लिटिगेशन, कानूनी लफड़ा, रोग, रिप, ऋण, इन कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। नौकरी करने वालों का भाव भी 6th भाव है, नौकरी पेशा करने वालों का भाव भी 6th स्थान है। राहु इस समय जो है बुध के नक्षत्र में, जैसा बुध वैसा राहु काम करेगा जो है, राहु जिस राशि में होता है उसकी नकल करता है, उसी तरह का फल देता है। तो राहु गुरु की राशि में, गुरु की पोजीशन अच्छी बनी हुई है, गुरु शुरू से वृषभ के 8th भाव में है, जो कि समस्त परेशानियों का नाश करने वाले होते हैं। 8th भाव के गुरु जो है वह आपके पिता को थोड़ा बहुत कष्ट दे सकते हैं, बट जो है ईश्वरीय सहायता हर कष्ट और तकलीफ के समय 8th भाव का गुरु आपको देता है। तो जो 6th भाव का राहु है यह आपको सफलता इसलिए देगा कि राहु जो देव जो है बुध के नक्षत्र में काम कर रहे हैं, और बुध इस समय गुरु के साथ 8th भाव में, फिर 9th में जब चले जाएंगे तो राहु का फल बाकी 15 दिन के लिए अच्छा हो जाएगा। तो आपकी पर्सनालिटी में सुधार, सब कुछ में, सोच में परिवर्तन, रिस्क लेने की क्षमता में वृद्धि, काम करना, काम और रिस्क लेना, काम करने की क्षमता में तेजी जो है यह आपकी 15 जून के बाद बढ़ जाएगी। आपकी सोच में भी बदलाव आ जाएगा, क्रिएटिव आप सोचेंगे जो है। और दूसरी चीज़ जो है, जो दूसरा भाव होता है वो परिवार कुटुंब का भाव होता है, धन भाव होता है। चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल की राशि पड़ने के कारण जो है कुटुंब परिवार में विवाद और क्लेश से बचें सिर्फ, बाकी धन, प्रॉपर्टी, रुपए, पैसे, बैंक बैलेंस की स्थिति ठीक रहेगी। क्योंकि मंगल जो है इस समय रोचक नामक पंच महापुरुष योग आपके 7th भाव में क्रिएट कर रहे हैं, और पूरे महीने मंगल जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। 18 जून तक मंगल केतु के नक्षत्र में रहेंगे जो 12वें भाव में है, तो मंगल केतु का षडाष्टक संबंध होने के कारण से कलह जो है, गृह क्लेश, आपके बिजनेस प्लेस में आपके पार्टनर से झगड़ा झंझट से बचे, बट व्यवसाय की स्थिति अच्छी रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, और इसके साथ साथ में आपको विदेश धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। 12वें स्थान पे केतु है मंगल के प्रभाव में, मंगल केतु का षडाष्टक संबंध होने के कारण जो है 10th भाव के मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो आपका जो है 15 जून से लेकर 30 जून तक का समय बड़ा अच्छा जाएगा। थोड़ा सा राहु पीड़ित होने की वजह से अज्ञात भय मन में रहेगा, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं करनी है। आप अपने कार्य क्षेत्र में खुद जाएं, नौकर के भरोसे, किसी अधीनस्थ के भरोसे अपना काम न छोड़ें। जो आपको शुभचिंतक लग रहा आपका, वो आपके पीछे आपका नुकसान कर सकता है, तो आप प्रिकॉशन लेंगे, अपने काम का ध्यान रखेंगे,
अपने व्यवसाय को खुद मॉनिटर करेंगे जाके, तो आपका व्यवसाय में बहुत अच्छी वृद्धि हो सकती है। क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है और उसके साथ लग्न को सातवीं दृष्टि जो विशेष दृष्टि से देख रहा है, तो मंगल का लग्न को देखना जो है वह अपने आप में थोड़ा सा आपको उग्र बना सकता है, आपको झगड़ा करने की प्रवृत्ति, चिड़चिड़ापन की प्रवृत्ति से बचना होगा, तब आप अपने काम में अच्छा कर पाएंगे। परिवार, कुटुंब, बैंक बैलेंस, धन दौलत के लिए बड़ा ही सुंदर समय तुला राशि के लिए 15 जून से 30 जून का रहेगा और 15 जून तक थोड़ी सी परेशानी रहेगी। शनि पंचम स्थान पे है, काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का घर माना जाता है, जहाँ पर सूर्य इस समय 15 दिन तक अष्टम भाव में रहेगा, तो पढ़ाई लिखाई में अगर आप विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर मन नहीं लगेगा आपको, आदमी आप करेंगे अपने हिसाब से, तो थोड़ा सा अपनी सोच में परिवर्तन रखिए। शनि मेहनत का कारक है, कर्म का कारक है, डिसिप्लिन का कारक है, इसकी रेमेडी ही कर्म करना है। तो अगर आप पढ़ाई में अपना मन लगाएंगे, खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित रूप से शनि डीले का कारक तो जरूर है, पर आपका राज कायम होगा, आपका झंडा भी स्थापित करता है शनि। शनि चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ त्रिकोण में, तो वहां पर आप अगर मेहनत करेंगे, शनि की चीजों का ध्यान रखेंगे, शराब मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, धार्मिक रहेंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई मन से करेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान रखेंगे, तो वो पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे बच्चे आपके। जहाँ तक आपका जहाँ नौकरी पेशा करने वालों के लिए है, उनका राहु छठे भाव में चल रहा है और राहु इस समय बुध के नक्षत्र में चल रहा है, बुध इस समय अष्टम में चल रहा है, 15 के बाद जो है उनको कार्यस्थल पर संतुष्टि मिलेगी, 15 के बाद किसी प्रतियोगी परीक्षा में मेहनत से बैठेंगे तो सफलता होने का संभावना है, और साथ साथ जो है जो मनमुटाव अपने बास से उच्च अधिकारियों से नौकरी करने वालों का चल रहा था उसमें कमी आएगी और साथ साथ प्रमोशन के चांस बनेंगे। तो 15 जून के बाद नौकरी पेशा वाले के लिए भी अच्छा समय रहेगा, व्यवसाय वाले के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद करो 15 जून के बाद बन सकता है फायदा। जो है केतु जो यात्रा का कारक है, जो 12वें घर में विद्यमान है, वहां से बैठ करके आपके चौथे घर, छठवें घर और साथ साथ जो है कि केतु देव जो है आपके अष्टम हाउस को भी देख रहे हैं, तो इसलिए जो है केतु का मिश्रित फल पूरे महीने रहने वाला है। किसी धार्मिक यात्रा और विदेश यात्रा का योग बन रहा है, जहां पर आप जा सकते हैं परिवार के साथ, अपने कुटुंब परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ, आपका किसी टूरिस्ट प्लेस, किसी धार्मिक प्लेस पर यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। 9th हाउस आपका भाग्य का हाउस है, जहाँ पे बुध की राशि पड़ रही है, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका जो भाग्य रुका पड़ा था पहले से, उसमें थोड़ी सी स्पीड आ रही है और 15 तारीख के बाद पूरी तरीके आप स्पीड पकड़ लेंगे, क्योंकि भाग्य भाव में आपके सूर्य बुध शुक्र तीनों जाएंगे। सिर्फ आप अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान रखेंगे, पत्नी से संबंधों में कटुता रह सकती है। सप्तम स्थान पे मंगल है, व्यावसायिक स्थान पर आपके साझेदार पार्टनर से झगड़ा रह सकती है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, उससे आप बचें। पत्नी से संबंध सौहार्दपूर्ण बना के रखें, पत्नी को हेल्थ के लेके चिंता हो सकती है आपकी। तो सूर्य बुध शुक्र कुल मिला के जब 15 जून से वहाँ चले जाएंगे तो उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। मंगल देव इस समय केतु के नक्षत्र में चल रहे, मंगल केतु का षडाष्टक योग, थोड़ी सी स्ट्रगल, परेशानी और वाद विवाद, तू तू मैं की संभावना को बढ़ाता है। जिसको आप प्रयास करेंगे तो आप अपने प्रयास से कम कर सकते हैं। खान पान, अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। सुख स्थान आपके चौथे भाव में शनि की राशि पड़ रही है, मकर राशि जो है, जहाँ के मालिक शनिदेव पंचम स्थान पे हैं। प्रॉपर्टी धनयोग के लिए अच्छा समय बना हुआ। शनि की तीसरी दृष्टि, मैंने पहले भी कहानी बता चुका हूँ कि खराब होती है, शनि मंगल की दृष्टि सातवें भाव में व्यवसायिक स्थान पे उथल पुथल मचा सकती है। और शनि देव गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, गुरु की पोजीशन अच्छी चले पूरे महीना अष्टम भाव में गुरु होने के कारण आपकी स्थिति ठीक रहेगी। थोड़ी सी अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आपके सुख शांति की स्थिति, झगड़ा झंझट, क्लेश से बचे और व्यवसाय में विशेष ध्यान रखें, तो 15 जून तक थोड़ी सी परेशानी के साथ सफलता, बट 15 जून के बाद आप रफ्तार पकड़ लेंगे। विदेश यात्रा, कोई नए व्यवसाय का आरंभ, नौकरी पेशा करने वालों के लिए सफलता, प्रमोशन का चांस, कई तरह की सफलता आपके इंतजार कर रही है। इस प्रकार से जो तीनों ग्रह हैं, केतु, राहु, शनि, गुरु, इनकी पोजिशन मिश्रित रहने के साथ साथ दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुध देव जो है
वह 2 जून से लेकर 23 जून तक कुल 22 दिन के पीरियड के लिए अस्त रहेंगे और शुक्र देव जो 1 से 29 जून तक अस्त रहेंगे। इस पीरियड में आप कोई नया व्यापार आरंभ करने से पहले सोच लीजिए।